कपल पार्टी, भाई क्या कहूँ मैं इस सीरीज के बारे में। एक तो अचानक से आई ऊपर से ऐसी नाना, दूसरी लगा मजा ना आ रहा। तो फाइनली यहाँ पे बिग शॉट वालों ने कपल पार्टी का पार्ट वन रिलीज कर दिया है। फाइनली मैंने सीरीज को देखकर यहाँ पे कंप्लीट किया, मतलब इसके पार्ट वन को देखकर कंप्लीट किया। आप सीरीज में क्या अच्छा और क्या बुरा है, सीरीज आपके लायक है या फिर नहीं, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज भाई पहली बार बिग शॉट की सीरीज को देखकर लगा कि ये बिग शॉट की सीरीज नहीं है। ना जाने इस सीरीज ने भाई क्या किया, जरा भी समझ में नहीं आया। सीन भी यहाँ पे डिसेंट गए, स्टोरी का तो कुछ अता पता सीरीज में है नहीं, बस सीरीज चलती जा रही है, चलती जा रही बिग है। शॉट के ऐप पर मैंने ढेर सारी सीरीजें देखी हैं, लेकिन भाई इस तरह की डिसेंट सीरीज मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ एपिसोड में आप लोगों को हो सकता है सीन थोड़े से अच्छे देखने को मिल जाए, वरना आप लोग इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। जबकि आप लोग कास्टिंग उठाकर देखो, एक से बढ़कर एक कास्टिंग है सीरीज में। आप लोगों को मालविका टॉमर देखने को मिलती है बहुत दिन के बाद, चाहती तो भाई कहर ढा सकती थी। इसके साथ साथ आप लोगों को नेहा गुप्ता देखने को मिलती है, ये भी काफी गजब की एक्ट्रेस हैं। और आखिरी एक्ट्रेस हैं अलेंद्रा बिल। भाई साहब कास्टिंग एकदम ही कड़क थी, सीरीज के डायरेक्टर चाहते तो सीरीज को काफी अच्छा बना सकते थे सीन के जरिए। अब देख लो, ना तो सीरीज में आप लोगों को सीन ही अच्छे देखने को मिलते हैं और ना ही भाई स्टोरी अच्छी देखने को मिलती है। आप अब समझ जाओ कि सीरीज कहाँ गई। सीरीज को कल के दिन रिलीज कर दी गई थी बिग शॉट के ऐप पर। और गाइज इस सीरीज में आप लोगों को टोटल 4 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 15 से लेकर 17 मिनट के बीच आप लोगों को करके दिखाई जा रही सीरीज की है। स्टोरी की यहाँ पे हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी में गाइज आप लोगों को 3 कपल देखने को मिलते हैं जो भाई पार्टी कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। बस समझो सीरीज में इतना ही दिखाया जा रहा है। मैं कहूंगा अगर आप लोग इस सीरीज को लेकर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आप लोग सीरीज देख सकते हो, लेकिन सीरीज से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। एकदम थोड़ा मजा सीरीज से आप लोगों को अगर उठाना है तभी सीरीज देखना, वरना भाई ऐसे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तो बस ये था वो छोटा सा रिव्यू जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था।